हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, चलो अच्छी बात है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और गॉस लॉ के बारे में कि गॉस लॉ क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो पहली एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो कई बच्चे सब नाम को देखते ही घायल हो गए होंगे कि इतना बड़ा नाम है, पता नहीं क्या हुआ। तो बिल्कुल इजी सा है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसको देखिए, हम समझते हैं कि जो है वन बाय वन है क्या इसके अंदर। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो जिस भी बच्चे ने गॉस लॉ नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम क्या लेते हैं, एक स्ट्रेट वायर लेते हैं जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है और यूनिफॉर्मली चार्ज भी है। तो हम मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान, एक जैसी। मीन्स आप किसी भी पॉइंट पर वैल्यू देखोगे, चार्ज की सेम मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पर डिफरेंट है, किसी पर डिफरेंट है, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में यूनिफॉर्म डालते जाते होगे ना, तो उसमें क्या है कि सभी बच्चे एक जैसे दिखाई देते हैं। तो जो बच्चे यूनिफॉर्म नहीं डालते रहते, फिर क्या होगा, पनिशमेंट मिलती है। तो वो नॉन यूनिफॉर्म वाले हैं, जो अलग ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, कि चार्ज वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। और हमने मान लिया कि एक टाइम के लिए पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब आप बोलोगे सर नेगेटिवली चार्ज होगी तो क्या होगी, मैं लास्ट में बताऊंगा अगर नेगेटिवली चार्ज है तो क्या होगी, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है और इनफाइनाइट लेंथ है और वैसे थिन रहेगी, बिल्कुल थिन है। तो अब कोई पॉइंट पी लेना है, मान लीजिए पॉइंट पी है यहाँ पर। इस पी पॉइंट के ऊपर इस वायर के कारण, वायर के ऊपर चार्ज है, सिंपल सी बात है, तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी तो बनेगी। तो इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन भी बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन भी बताएंगे और वैल्यू भी बताएंगे। तो अब देखिए, हम मान लेते हैं जैसे आपको एग्जाम में लिखना है वैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेट अस कंसीडर, थोड़ा सा आपको हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग लगे, बट जैसा आपको एग्जाम में लिखना है हम वैसा ही यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी हो जाए। तो कैसे लिखना है, लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कैसी वायर है, स्ट्रेट और इनफाइनाइटली लॉन्ग है स्ट्रेट वायर। लेट पी इज अ पॉइंट, हम मान लेते हैं कि पी क्या है, पी एक ऐसा पॉइंट है, पी इज अ पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट और फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, किस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। तो आप देखिए, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पेयर ले लेंगे। हम मान लेते हैं कि स्मॉल एलिमेंट है यहाँ पर, एक हमने पी वन पॉइंट ले लिया यहाँ पर और एक P2 पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो आप देखिए, जो P1 और P2 पॉइंट है ना, इस O पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, मींस एक समान दूरी पर है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो चार्ज है इसके कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम देखेंगे कि कितनी होगी, और जो P2 पॉइंट लिया है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम डायरेक्शन को देखेंगे। तो अब देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट P1 एंड P2 आर टू पॉइंट्स ऑन द वायर, पॉइंट्स ऑन द वायर हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O। O पॉइंट से क्या है, इक्वल दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है ये। तो अब देखिए, इक्वल डिस्टेंस पर क्यों माना है इसको, इक्वल डिस्टेंस पर मानेंगे, इसका एक बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये है कि जो इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ना, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, हम एक डायग्राम जो है यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वल क्यों लिया है। अब देखिए, P1 पॉइंट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट P है ना, वहां पर टेस्ट चार्ज रखा है, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेंगे रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की तरफ, तो E1 हम मान लेते हैं P1 पॉइंट के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू और डायरेक्शन है। तो अब देखिए P2 है, इस P2 पॉइंट के कारण क्या होगी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी यहाँ पर भी, क्योंकि ये भी रिपेल करेंगे तो डायरेक्शन क्या है इसके कारण बाहर की तरफ हो जाएगी, तो ये E2 की वैल्यू है। तो अब देखिए E1 इस साइड है, E2 इस साइड है, तो अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो देखते हैं कि रिजल्टेंट जो है, अब आपको जो ये डेरिवेशन है ना कुछ कुछ ऐसा लग रहा हो कि आपने सोल्व किया है, इसको निकाला है, थोड़ा सा मैच करता है ये किसके साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, तो डायग्राम थोड़ा सा उससे मैच करता है ये। तो अब देखिए इसको हम रिजोल्व करेंगे, E1 को रिजोल्व करते हैं, तो रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट तो E1 का इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, इसको हमने रिजोल्व कर दिया। सिमिलरली E2 को रिजोल्व करेंगे तो E2 का एक कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में आएगा और दूसरा कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। तो अब देखिए कि दो कंपोनेंट है E1 और E2 का, दो कंपोनेंट तो एक डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या है अपोजिट है डायरेक्शन में। तो अब देखिए ये कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में और मैं बोल रहा हूँ कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वाले जो दो कंपोनेंट हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, क्यों मैग्नीट्यूड में इक्वल है डायरेक्शन में अपोजिट है तो इनका इफेक्ट कैंसिल आउट। तो दो हमारे पास कंपोनेंट बच गए, E1 का एक ये वाला, एक E2 का ये वाला। अब सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये क्या होगा, इनका इफेक्ट ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में आएगी, इसको मैं डी कह देता हूं, तो अलोंग PD आएगी, ठीक है, ये F है ये G है, तो P और F और PG वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन अलोंग PD बाहर की तरफ आ गई। तो अब देखिए आप बोलोगे सर E1 और E2 की जो मैग्नीट्यूड इक्वल क्यों है, तो आप यहां से डिस्टेंस लेंगे, ये वाले डिस्टेंस P से लेकर मान लीजिए P1 पॉइंट है, P1 की जो डिस्टेंस है P1P और P2P ये डिस्टेंस इक्वल है, तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए E1 की वैल्यू आएगी 1/4πε0। तो इस डिस्टेंस को अगर आप A कहें और इसको मैं कह दूं R है, ये क्या है R, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए, तो ये वाली डिस्टेंस ये होगी और ये वाली क्या होगी, ये होगी, तो डिस्टेंस इक्वल हो गई। तो यहाँ पर देखिए चार्ज क्या है Q, डिस्टेंस कितनी होगी R² + a² √2। सिमिलरली E2 फाइंड आउट कर लेंगे, E2 की वैल्यू क्या होगी, यही वैल्यू होगी, डिस्टेंस क्या है सेम है, तो यहाँ से क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, यहाँ से देख रहे हो ये और ये इक्वेशन क्या है इक्वल है, तभी तो मैंने बोला इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या है हमारे पास, डायरेक्शन अपोजिट है मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इनका जो इफेक्ट है दो कंपोनेंट का क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है अलोंग रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है, तो यहाँ से हमें डायरेक्शन का पता चल गया। अब हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन तो हमें पता चल गया कि आउटवर्ड होगी और नॉर्मली आउटवर्ड है वो। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेंगे और गॉसियन सरफेस में क्या लेते हैं हम सिमेट्रिकली सरफेस लेंगे, और गॉसियन सरफेस क्या थी, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है सेम होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो देखिए गॉसियन सरफेस लेंगे और हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कि जब गॉसियन सरफेस लेते हैं ना तो गॉसियन सरफेस जो लेंगे उसकी शेप के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, शेप आप कुछ भी ले लें, किसके ऊपर डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब चार्ज की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी तो शेप कुछ भी ले सकते हैं, अगर शेप हम कुछ भी ले सकते हैं तो हम ऐसी शेप लेंगे जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन जो करें वो इजी हो जाए, तो हम ऐसी सरफेस लेते हैं ना, ऐसी शेप लेते हैं, हमने गॉस लॉ में ये बात पढ़ी थी। देखिए ये हमारे पास वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और हमने कहा कि ये वायर कैसी है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, कैसी है इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब हम क्या करेंगे एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं, यहाँ पर एक सिलेंडर हमने कंसिडर कर लिया जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं आर है, क्या है आर हम रेडियस मान लेते हैं और लेंथ हम ले लेते हैं सिलेंडर की L, तो L लेंथ है सिलेंडर की और रेडियस क्या है R है, इतनी बात समझ आई, तो हमने मान लिया रेडियस R है। तो अब देखिए यहां पर लेट अस कंसीडर अ क्लोज्ड सिलेंडर,
अक्रॉस द सिलेंडर सिलेंडर हैविंग रेडियस आर, रेडियस क्या है आर है एंड लेंथ एल। हमने मान लिया कि लेंथ कैसी है इसकी एल है। तो अब देखिए वो क्या करना है कि इस सरफेस इसके जो सिलेंडर है ना इसकी सरफेस के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये डिस्टेंस आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं पॉइंट पी मान लेते हैं और इस पी पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अभी जो हमने इससे पहले किया ना तो वहां का हम कंक्लूजन लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी डायरेक्शन क्या होगी बाहर की तरफ होगी। अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया कि बाहर की तरफ होगी और जो इसका यूनिट वेक्टर है वो भी नॉर्मली आउटवर्ड है इस सरफेस का। तो ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तो आप देख रहे हैं कि जो इनकी डायरेक्शन है ना यूनिट वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है यहाँ पर। अब सरफेस वन और सरफेस टू की बात कर लेते हैं। सरफेस वन हम मान लेते हैं कि जो ये सर्कुलर सरफेस है ना इसको सरफेस वन कह रहा हूँ और जो ये हमारा सर्कुलर पार्ट है इसको मैं सरफेस टू कह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो इस सरफेस है इसका नॉर्मल क्या हुआ इस डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी इसके, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आउटवर्ड ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है आउटवर्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली इस सरफेस के लिए जो नॉर्मल होगा ना वो आउटवर्ड डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये वाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी यहाँ पर ये तो चेंज नहीं होगी। तो इस केस में क्या है नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो है नॉर्मली आउटवर्ड यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। सरफेस वन के लिए नॉर्मल ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है नॉर्मली आउटवर्ड है। तो यहाँ पर जो है यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। सरफेस टू के लिए कितना बन रहा है 90 डिग्री और यहाँ पर कितना बन रहा है 0 डिग्री क्योंकि ये एक डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है। तो अब क्या करेंगे ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि इनका हम अभी यूज होने वाला है ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये हम पढ़ते हैं गोसलो में किया था ना गोसलो में ऐसे सॉल्व किया था आपने। तो अब देखिए ये यूनिट वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनके बीच का एंगल हम लेते थे तो एंगल कितना है यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो कोस थीटा में आएगा ना और कोस क्या है तो अगर हम इस सरफेस के लिए सोल्व करें इस कर्व सरफेस के लिए अगर हम सोल्व करते हैं तो एंगल कितना है 0 है तो एंगल 0 है तो इसको हम क्या लिखेंगे कोस 0 की वैल्यू क्या होती है कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी कि 1 होगी 1 होती है कोस 0 की वैल्यू 1 होती है साइन 0 की कितनी होगी साइन 0 की 0 होती है बट कोस 0 की वैल्यू क्या रहती है 1 होगी। तो अब देखिए कोस 0 की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ds का इंटीग्रेशन करेंगे ना और इंटीग्रेशन क्या होगा इसका 2 पाई r l तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये इस सरफेस के लिए हमने सॉल्व किया। अब देखिए जो सरफेस 1 और 2 है इसके लिए सॉल्व करते हैं। सरफेस 1 और 2 के लिए देखते हैं आप जो है फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी तो हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाली है तो इस सरफेस के लिए तो हमारे पास कर्व सरफेस है उसके लिए तो आ गई। अब देखिए सरफेस 1 और 2 के लिए क्या आती है देखते हैं तो फॉर सरफेस 1 एंड 2 फॉर सरफेस 1 एंड 2 अब यहां पर देखिए जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा वो सॉल्व करते हैं। एंगल कितना है अभी अभी हमने यहां पर बताया एंगल है 90 डिग्री ठीक है एंगल कितना है 90 डिग्री तो कोस 90 लिख दें तो एंगल तो 90 डिग्री है तो कोस 90 कितना होगा 0 होगा कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर कोस 90 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो देखिए सरफेस 1 और सरफेस 2 फ्लक्स में किसी भी टाइप का कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन कौन करेगा ये वाले सरफेस इसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो यहाँ पर पॉइंट लोगे उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी कहीं पर ले लो सेम वैल्यू आएगी ठीक है। यहाँ पर भी आप कहीं पर पॉइंट ले लो सरफेस तो सेम वैल्यू आएगी। तो जो फ्लक्स है ना बाय यूजिंग गॉस लॉ तो फ्लक्स क्या की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास अभी अभी हमने सॉल्व की है ई इंटू 2 पाई आर एल और गॉस लॉ से हमने पढ़ा कि फ्लक्स इसके इक्वल भी होता है चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट अगर हमारा मीडियम क्या हो वैक्यूम हो मीडियम ना हो तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैक्यूम में हम यूज करें तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी क्यू इसको डिवाइड में ले जाए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई इन टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हम मान रहे हैं लैम्डा है तो लैम्डा इंटू एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल तो एल से एल कैंसिल हो जाएगी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी
तो लैम्डा किसके इक्वल होती है, देखिए जो लैम्डा की वैल्यू है ना चार्ज होता है, चार्ज को हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी का और लेंथ का। तो ये चार्ज है तो हमने जस्ट वही किया है, चार्ज की वैल्यू रखी थी लैम्डा इनटू एल, तो एल से एल कैंसिल हो गया है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आप देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ना, तो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ये तो लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रही है, दूसरा डिपेंड कर रही है आर के ऊपर यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो जो ये डिस्टेंस हम देंगे ना इसके ऊपर डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और लैम्डा के ऊपर। तो देखिए लैम्डा को हमने फिक्स कर दिया, लैम्डा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है यूनिफॉर्मली चार्ज करवाया, तो चार्ज की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। देखिए अगर चार्ज की वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो लैम्डा की वैल्यू तो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो है इस आर पर, इस डिस्टेंस के ऊपर। तो अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो रही, अगर डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। तो यानी ये जो है ना वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के ऊपर। तो अगर मान लीजिए आर आप चेंज नहीं कर रहे तो हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। आप कहीं पर कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पर सेम आएगी, अगर आर सेम है डिस्टेंस सेम है। अगर आप डिस्टेंस चेंज करते मान लीजिए यहाँ पर आप निकालना चाह रहे हैं तो अलग आएगी, यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं तो अलग आएगी, डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो अलग आएगी वैल्यू, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए इसकी डायरेक्शन में कहता है कि अगर मान लीजिए लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है, तो अब देखिए हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आया था, टू लैम्डा टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है तो उस टाइम पे जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अगर देखिए लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो इस केस में डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि जो ये पॉइंट पी लिया है यहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं और ये भी पॉजिटिव को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, तो अलोंग द रेडियस है तो इसलिए रेडियली आउटवर्ड बोल रहे हैं। अगर लैम्डा लेस देन जीरो है तो लेस देन जीरो का मतलब क्या है, चार्ज क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज हो तो अब डायरेक्शन क्या होगी, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है तो अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई, अगर नेगेटिव चार्ज होगा ना तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बस मैग्नीट्यूड वही रहेगा, वैल्यू वही रहेगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ जा रही थी रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज हो गए इस वायर के ऊपर, यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। तो ये आपकी जो है एप्लीकेशन थी गोल्ड ग्लोव की, पहली एप्लीकेशन थी फील्ड ड्यू टू एनी फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, तो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण जो फील्ड की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की। तो अब हमारे पास इसके अलावा दो केसेस और होते हैं वो करेंगे।